और देखें ये ऐसे ही लग रहा है जैसे बकरे का गोश्त है। लेग पीस देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, डक कड़ाही जो है बिल्कुल तैयार है। हाँ जी अबू जी, और जिंदाबाद मुआशर यार, मजा ही आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, बशर्तिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने मटन कढ़ाई ट्राई की होगी, देसी मुर्ग की कढ़ाई जो है वो ट्राई की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बतख की कढ़ाई जो है वो बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी ही मजे की बनती है। तो आइए देखते हैं ये मजेदार सी डक कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले बतख पकड़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हांडी चढ़ा देंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी डालेंगे हांडी में। बिस्मिल्लाह, पानी उतना डालना है जितने में गोश्त जो है वो गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बतख का गोश्त डालेंगे और देखें ये ऐसे ही लग रहा है जैसे बकरे का गोश्त है। लेग पीस देखें। और यहां पे देखें कितनी चर्बी है इसमें, इधर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन के जवे डालेंगे। तकरीबन 2.5 किलो गोश्त है और 6 से 7 लहसुन के जवे डालेंगे। 1 बड़े साइज का प्याज। बिस्मिल्लाह, 7 दरमियाने साइज के टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 टीस्पून जो है सुर्ख मिर्च और 2 टीस्पून भर के नमक। बिस्मिल्लाह, अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी कम डालना है, क्योंकि हम मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसलिए इसमें पानी जो है वो ज़्यादा डाला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊपर से ढक देंगे और गोश्त के गलने तक गोश्त को पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उबाल आना शुरू हो गया और लकड़ी का चम्मच नहीं है मेरे पास, चम्मच चला लेंगे। मिट्टी की हांडी में हमेशा लकड़ी का चम्मच चलाना चाहिए, पर चूंकि किचन जो है वो काफ़ी अरसे से बंद था, बारिशों का सीज़न चल रहा था, तो इस वजह से किचन में अभी काफ़ी सारे बर्तन नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, गोश्त जो है ये गल चुका है, तो अब हांडी जो है वो चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाही चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाही में डालेंगे ऑलिव ऑयल, कढ़ाही जो है ऑलिव ऑयल में बनाएंगे जैतून में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो टमाटर के छिलके हैं ये उतार लेंगे और निकाल देंगे। तो अब कढ़ाई में से पानी जो है वो खुश्क करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डक कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कढ़ाही को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जुलियन कटी हुई अदरक डालेंगे, सब्ज मिर्च और 1-2 सुर्ख मिर्च मुझे मिल गई थी, उसे भी मैंने बारीक काट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, डक कढ़ाही जो है बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अबू जी, जिंदाबाद मुआशरी यार मजा ही आ गई। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज और मर्ज से महफूज रखे। आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।